छतरपुर जिले में चलती बस में प्रसव होने का मामला सामने आया है। बस में प्रसव होते ही बस चालक ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बस को सीधा जिला अस्पताल ले गया, जहां पर जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती किया गया। जिला अस्पताल में बस को देखते ही सब हैरान थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि बस में प्रसव हुआ है तो सभी ने बस चालक की सराहना की। गौरतलब है कि बस दिल्ली से सागर जा रही थी, लेकिन जैसे ही बस छतरपुर के पास पहुंची तो बस में बैठी एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और बस में डिलीवरी हो गई। महिला सागर जिले की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? बलराम। कहाँ के हैं आप? हम सागर के हैं। पत्नी का नाम क्या है आपके? पत्नी का चांदनी जाड़ा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे, एकदम दर्द वगैरह हो रहे थे, तो इसलिए हम लोग वापस आ रहे थे। वहाँ कोई डॉक्टर का इलाज नहीं था नहीं ना, तो डॉक्टर इलाज के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग वापस यहीं आ गए। काहे के लिए गए थे आप दिल्ली? पैसे कमाने गए थे, काम करने, मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करने। फिर कहाँ पर डिलीवरी हुई है? डिलीवरी यहीं हुई है छतरपुर में। कहाँ में, काय में हो गई थी? बस में हुई थी। कहाँ पे थे आप लोग, कहाँ पे हो गए थे? बस में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है छतरपुर जिला अस्पताल से। फिर क्या बताया आप लोगों ने? क्या बताया, वो डिलीवरी हो गई, फिर फोन लगवाया, एम्बुलेंस आई और यहाँ ले आए। काय से लेके आए हो यहाँ पे? यहाँ बस ही से लेके आया, बस से जिला अस्पताल लेके आए हो बस से। हाँ। क्या हुआ है, बेटा बेटी? मेरे ख्याल से लड़की हुई है। लड़की हुई है, कैसी है अब? ये अभी नहीं देखी, अभी देखी नहीं है, भर्ती है? भर्ती है अभी। पहली बच्ची ही, चौथी है। क्या कहेंगे बस वाले को, उसने मानवीयता दिखाई है? बस वाला बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरे कहने पर एक बार में गाड़ी रोक दी, एम्बुलेंस बुला दी और मुझको यहाँ तक वो छोड़ के गया। हाँ, बसी में लेके आए हो? हाँ, बसी में लेके आए। पूरी बस आई है? पूरी बस। जा रही का है? सवारी भी है? हटाओ भैया,